भाई भाई ने देख कर राजी को आज बड़ा जुलम हो रहा है, सच्चाई है। दो भाई, सुनना कहानी, दो ऐसे भाई जिनका झगड़ा हो गया एक बात पे, जमीन को परोला हो गया। वो तो कहना मेरे हिस्से में आवे से, वो कहना मेरे हिस्से में आवे से, पंचायत होगी गांव में। लेकिन बात घनी उलझ गई, पंचायत ने बोली भाई मारे तो बस की बात नहीं, इसने समझावा हाँ योर डाल बोले से तन्ने समझावा सा, योर डाल बोले दूसरा न बोला भाई मारे बस की बात नहीं, तुम एक काम करो कोर्ट में जाओ। तेरा एक बात सुना मेरे भाई बहनों, दोनों भाइयों का रोड़ा होया, झगड़ा हो गया, गुस्से में भरके और मोटरसाइकिल बड्डे ने भी काट ली, छोटे ने दोनों ने काट ली और मीठी मीठी सर्दी पड़ा कर दी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी। और देखे मोटरसाइकिल जब जान लागे कोर्ट का न्या केस करण खातर, वो आगा आगा कर रहा, एक जना मोटरसाइकिल ने एक जना पाछे पाछे कर रहा और एक भाई का चादर का पल्ला घिस रहा था नीचे थोड़ा थोड़ा। उसके मन में आई जो पाछे मोटरसाइकिल कर रहा था न बोला जे आई की चादर पाछले पही है आगी ना मोटरसाइकिल के में यू पड़ जागा और देखे मर जागा, जुलम हो जाएगा। मेरे भाइयों पर जरा सुनना, उसने रुका मारे पाछे तो बात तो लागेगी मजाक भर गई, लेकिन मजाक नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा संदेश छुपया है। किसी ने मेरे को बताई तो मैंने इस पर लिखा न बोले किसे का पल्ला किस रहा है ये, वो उस गल बोल नहीं था, बोल चाल बंद हो रही थी, वो क्या ने ध्यान देता, चल ले गया अपने मोटरसाइकिल पे। दोबारा फिर देखा भाई इसकी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, दोबारा बोलना पड़ा, दोबारा फिर बोला बोला कोई सुनता हो तो किसी का पल्ला किस रहा है। उसने देखा भाई और तो कोई नहीं सर, रोड पर मैं हूँ, पल्ला किस रहे से मन नहीं कैसे इसका मतलब। तो फिर उसने देखा ओहो चादर का पल्ला लटके है, और भाई जो यो ना कह तो थोड़ी देर में यू तो तेरे इसमें मोटरसाइकिल के पास ले टायर में आ जाता और तू मर जाता। उसके दिल में प्रेम जाग गया, न बोला भाई मोटरसाइकिल रोक, भाई रोक मा जाए। उन्हें मोटरसाइकिल रोक ली और न बोला नीचे उतर गया भाई गले मिल ले एक भाई, न बोला रे की हो गया केस करे था, न बोला केस नहीं रहे, अरे जब तक मेरा एक चादर का पल्ला नहीं सुहाया, पल्ला तक नहीं सुहाया तने मेरे भाई, तो मैं किस तरह तेरे पर केस कर दूंगा। अरे मां जाए भूल का थप्पड़ लग रहा था मेरे भाई, मैंने माफ कर दे, आंखिया में पानी आ गया लोगों, नुका आग्रह अपना मारा छा में गिरे। और भाई तेन कह लगा भाई धनमाया ना चाहिए, मैंने अपना भाई चाहिए है। एक एक बोल ध्यान तो सुनिए लोगो, इन चीजा की आज बड़ी जरूरत सर है, जी लागे शेयर करा करो मेरे भाइयों बहनों, नीचे मत पढ़ दिया करो इन भजना ने, किस तरह से लिखने वाले ने बड़ा तोड़ का भजन लिखा, क्या लिख दिया भला। मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मन भाई चाहिए से चाहिए धन माया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। बोल क्या, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मन भाई चाहिए से मन भाई चाहिए चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। देख के तेरे भीतर में न्यू होया, कदे मेरा भाई मर जा, कदे चोट लाग जा, अरे तेरी आत्मा न्यू क्यों साफ से भाई, मेरे भीतर में काला धमे तो न्यू चाहो था, इसकी रांद कट जा मर जा, लेकिन तू न्यू चाहे से कि मैं जीता रहूं मेरे खेड़े बसे। मेरे भाई रे बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई है, और देखे इस दिल में जो भूल का थप्पड़ लाग रहा था इस रिश्ते ने मैं समझ नहीं पाया था, नंबर एक पे पश्चाताप कर रहा है, क्या कह रहा है।
दिल के रिश्ते ने मैं समझ नहीं पाया ना, इस दिल के रिश्ते ने मैं समझ नहीं पाया ना। मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। जब भी आदमी का मन बिगड़ता है तो मोस्टली देखा गया ज्यादातर क्या होता है, कोई फूक हो से बिरानी, अरे तेरे बाटे तो इतना थोड़ा पलाट आ गया और उन्हें फालतू मिल गया। मैं तो एक बात कहता हूं लोगों, जितने भाई बहन इस वीडियो ने देखे से देखो, जिस हक के लिए कहते आए हैं कि हक के लिए लड़ना चाहिए, बेशक लड़ो, लेकिन जिसके अंदर जान का खतरा हो, रिश्ते नाते खत्म होते हो, इससे बढ़िया तो हाथ जोड़ कहते भाई तू सुफता बस रहे, मदराम को और मांग लूंगा भगवान देगा, नेकी करे जाओ, घाटा को नरेंदा किसी चीज का मेरे भाइयों बहनों, परमात्मा बैठे सानू बोला रहा भाई मैं भूल गया था इस बात नरे, एक छोटी सी मामूली सी बात मारा तो प्यार ले बैठी थी भाई रे, न बोला भाई बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई थी, छोटी सी जो बेरानी फूक लाग रही थी वह मन न्यारे पाट दें दी, लेकिन घना टेम को लग गया, भगवान ने पहले जगा दिया। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते, नंबर दो पे भाई को क्या कहने लगा। पराई तो भैया ने पड़ेगी, एक बात मामूली सी मार प्यार बिगाड़े थी, सीख पराई दो भैया ने पड़ेगी। इब बात समझ आगी घना टेम बिताया, चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। उल्टे चलेंगे घर, अरे बंदी बुहारी से अपने दादे पड़दादियां की के रह जाएगी रे, जब कोर्ट में पा जावांगे एक दूसरे के खिलाफ लड़ांगे, केस उतरे लागेंगे, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे देखो रे फलाने की औलाद क्यों कर लड़न लाग रही है, छोटे से जमीन के टुकड़े पे लोगो, समझने की बात है, समझने आदमी समझेगा इन बात ने, मूर्ख के बस की बात नहीं। न बोला रे भाई चल घर चलेंगे, क्योंकि यह बंदी बुहारी जो से या नू की नू राखनी से, और आज तक इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि पैर करके किसी ने भी कोई लाभ नहीं कमाया से। महाभारत देख लियो क्यों करो है था, कितनी जान खपी थी, यो तरोला था, भाई भाई कट गए थे, कितना बुरा हाल होया था। मेरे भाइयों बहनों प्रार्थना करता हूँ दोबारा कभी मेरे समाज के अंदर महाभारत ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि भाईचारा बना के रखा करो। नंबर तीन पे क्या लिखा भला, रेत रुल जावांगे,
कुछ लाभ कमाया ना, कर पैर किसे ने भी कुछ लाभ कमाया ना। मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं जो मुझे बड़ी सलाह दे हैं, नुकंगे मास्टर जी देखिए लिखे बहुत बढ़िया, लिखना लिखना तो कहे फिर भी वो कहेंगे लोग कि लिखते बहुत अच्छा हो, गाओ भी ठीक सो, हर देखे दिखने के भी ठीक लागो, इतने भूंडे भी को नहीं आप, कोई डीजे का गाना काट देना उठता उठता सा, कोई बढ़िया सा गर्मा गर्म सा डीजे का गाना आने दो, आप ईट हो जाओगे, नुरे रुपये हो जाएंगे आपके। मेरा एक ही जवाब होता है, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है तो समाज का भला करने खातर दे रखा है, नू को नहीं कि मैं समाज की बाण बेटियां बक्की में लिख दूं। मेरे भाइयों बहनों जब तक जीऊंगा सनातन धर्म में जन्म लिया है, समाज के प्रति लिखूंगा। मेरे गुरुजी राष्ट्रीय कवि श्री ओम प्रकाश चौहान जी मुझे यही आज्ञा देते हैं, यही संदेश देते हैं, बेटा जितने दिन भी गावे या कला न्यू है ना मिलती, माँ सरस्वती की कृपा सब पे नहीं होती, उसने बड़ी सुतरी कलम दी है, बड़ी सुतरी आवाज दी है बेटा। और देखे लोगो घना प्रसिद्धि की जरूरत नहीं, मने आप लोग मने जानो इतना है बहुत से भाई, वह अपना आशीर्वाद बनाए रखियो। मेरे गुरुजी यही कहते हैं बेटा कभी भी जिंदगी के अंदर वो छाए ना गा दिए बस, और आखिरी में किस तरह से दोनों भाई आपस में क्या करने लगे। आहा भला हो जा, राम धन कब सरे आरे तेरी अमर कला हो जा, लिखिए सबके हित में तेरा भला हो जा, राम धन कब सरे आरे तेरी अमर कला हो जा। समझाते यो मैं गुरु, मेरे गुरुजी राष्ट्रीय कवि हैं श्री ओम प्रकाश चौहान जी, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं और साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार कौन नहीं जानता, बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। मैं कहता हूं वह तो साधे वाणी में संत हैं, इस धरती पे भगवान स्वरूप है मेरे गुरुजी। वो मुझे एक ही संदेश देते बेटा, बस इस बात का ध्यान रखिए, कौन सी का समझाते यो मैं गुरु कते अच्छा गाया ना, चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। बने भाई चाहिए से, बने भाई चाहिए से, चाहिए धन माया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया, मेरी चादर का पल्ला जब तने सु